नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नरेंद्र नगर पुल के पास की घटना, 150 टीकाकरण केंद्र और बढ़ेंगे सड़कों पर जानलेवा गड्ढों की भरमार। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। नरेंद्र नगर पुल के पास की घटना, शहर में आए दिन सड़क दुर्घटना में इजाफा होता देखा जा रहा है। इस बीच रविवार को नरेंद्र नगर में ट्रक डिवाइडर से जा टकरा। शहर में आए दिन सड़क दुर्घटना में इजाफा होता देखा जा रहा है। इसी बीच रविवार को भी ऐसी एक घटना शहर के नरेंद्र नगर परिसर में सामने आई, जिसमें एक कंटेनर ट्रक डिवाइडर से जा टकराया। हालांकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जीवित हानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि यह घटना सुबह के करीब 5:30 के दरमियान घटित हुई है। इस संबंध में कार्रवाई जारी है। तो वही दूसरे और 150 टीकाकरण केंद्र और बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को सभी के लिए टीकाकरण को मुफ्त कर दिया है। इस वजह से 18 से 44 वर्ष आयु के नागरिकों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। इस उम्र के लाभार्थियों की संख्या काफी अधिक है। इस वजह से 97 केंद्रों के अलावा और भी 150 केंद्र बढ़ाए जा सकते हैं। इसकी तैयारी में मनपा जुट गई है। मनपा के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने बताया कि टीकाकरण केंद्र के लिए संभावित स्थल की खोज शुरू हो चुकी है। केंद्र के लिए लगने वाले डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी व साधन की व्यवस्था में मनपा जुट गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वालों को टीका लगाया जाएगा। तो वही तीसरे और सड़कों पर जानलेवा गड्ढों की भरमार। वन देवी नगर की सड़कों पर गड्ढों की समस्या से लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। शहर में मानसून ने दस्तक दे दी है। पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से जानलेवा गड्ढों में पानी भरा गया। सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही किसी दुर्घटना का शिकार होने की आशंका भी है। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।